झूम उठेगा एक ही सुर में सारा हिंदुस्तान, क्योंकि कल आमने सामने होंगे इंडिया और पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट में। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के प्लेइंग 11 को। देखिए, मेरी माने तो ये कंपैरिजन एकदम बकवास है, फालतू है, क्योंकि पाकिस्तान का जो औकात है ना, वो इंडिया से जो है एकदम इतना नीचे कि अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के भी देखोगे तो भी आपको छोटा पड़ेगा या फिर नहीं दिखेगा। तो फिर भी कोशिश करते हैं, क्या पता ये भिखारी कुछ काम कर जाए। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो पहले तो चलते हैं ओपनर्स पे। इंडिया की तरफ से ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही तगड़े बैट्समैन, दोनों ही एकदम, अगर अपने दिन पे हो वो लोग आउट नहीं हुए ना तो सामने वाले को नानी नहीं याद दिला सकते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं घंटे के वर्ल्ड क्लास बबड़ी आजम, और सॉरी बाबर आजम, और साथ ही साथ ऊंचे पजामे वाला पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम मौलवी, मोहम्मद रिजवान। जी हाँ गाइस, तो ये दोनों ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अब इन दोनों में कंपेयर क्या ही करें, एक चांद पे बैठा है, दूसरा आप लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, डैश पे बैठा है। तो इस पे कोई कंपेयर करने की बात तो है नहीं। यहाँ पर तो इंडिया स्टेट टू स्टेट बहुत आगे निकल जाती है ओपनर्स में। उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर में, तो मिडिल ऑर्डर में इंडिया के पास 3 नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत, 4 पे आएंगे सूर्य कुमार यादव, 5 पे आएंगे शिवम दुबे। और वहीं पे जो है हमारे पाकिस्तान के, यानी हमारे जो है नाजायज औलाद पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर है उसमें आते हैं नंबर 3 पे फकर जमान, उसके बाद उस्मान खान, और फिर आजम खान जो कि अपने बाप के कोटा से खेल रहे हैं। तो क्या कंपेयर करूँ यार इन लोगों को, क्या कंपेयर करूँ, मतलब सीरियसली। अरे ये लोग यूएसए से पिल चुके हैं, जिम्बाब्वे से पिल चुके हैं, अफगानिस्तान से मुँह काला करवा चुके हैं, फिर भी इनको कोई शर्म और लिहाज नहीं, फिर वही टीम लेके आ गए। ना इनके पास फॉर्म है, ना इनके पास मोमेंटम है, कुछ नहीं है, बस है तो खामखा की बकायती। तो चलिए, यहाँ पे भी इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा आगे निकलती। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो हमारे पास है ऑलराउंडर हार्दिक कुंभू पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, और वहीं पे सामने वालों के पास है 34 साल के नौजवान युवा इफ्तिकार भड़ऊ, यानी कि अपने चचा, प्यारे चचा, और साथ ही साथ शदाब खान और इमाद वसीम। चलिए इमाद वसीम तो इंजर्ड है तो वो तो नहीं खेलते, लेकिन उसके जगह खेल ऑलराउंडर के तौर पे जो है शाहीन जाफरी। हाँ जी हाँ, मेरे को पता है कि वो एक बॉलर है, लेकिन अपने आप को बॉलर माने तब ना, वो तो खुद अपने आप को बहुत बड़ा ऑलराउंडर मानता है, खासकर अपने क्या ही बोलता है आप जाने दो। तो यहीं पे भी जो है कोई टक्कर नहीं है, इंडिया बहुत आगे निकल जाती है। अब हाँ, गेंदबाज में जो थोड़ी टक्कर दे सकते हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन अगर फ्लैट विकेट मिला यहाँ पे तो तीतर बना देंगे इंडियन के बल्लेबाज, आप सभी को पता है। क्योंकि हमारे पास देखिए, हमारे पास जो गेंदबाज है वो है मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, सबका बाप। तो यहाँ पे तो कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ पे जो, लेकिन सामने वाले के पास मोहम्मद आमिर, नासिम शाह और हैरी श्रॉफ है। तो इन अगर यहाँ पे जो है थोड़ा सा पाकिस्तान को मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये लोग फाइट दे सकते हैं, अदरवाइज इनका कोई चांस ही नहीं है। कल एकदम वन साइडेड मैच भी हो सकता है, और अगर कोहली या फिर रोहित में से कोई एक लंबा टिक गया तो समझ लेना पाकिस्तान के सीधे वर्ल्ड कप खत्म है, वहीं पे मौत है। तो यही था आज का वीडियो। आज का वीडियो लंबा नहीं करते, क्योंकि क्या लंबा करना है यार, इनके लिए क्या ही बनाए वीडियो। तो कल मेरा सीधा सीधा मानना है, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि भारत एकदम ताबड़तोड़ तरीके से खेलेगा और पाकिस्तान को अपनी नानी याद दिला के घर भेज देगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान बाई चांस कल हार गया, उसके बाद कनाडा और आयरलैंड दोनों में से दोनों जीतना होगा पाकिस्तान को एक अच्छे रन रेट से, वरना ख़त्म है उनका कहानी। और अगर बाय चांस कल वो बहुत गंदे तरीके से पिल गए ना, तो समझ लेना कि कल उनका आखिरी दिन है।
तो बाकी वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चिल्ड्रन बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।